गरीब लोगों का अमीर देश है भारत। भारत के लोग तो गरीब हैं, मगर यहाँ के नेता बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वो कैसे हैं? वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में घंटी का आइकॉन है उसे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे हकीकत से रूबरू करने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। भारत में 4120 एमएलए, 462 एमएलसी हैं, ऐसे कुल मिलाकर 4582 विधायक हैं। प्रति विधायक का वेतन भत्ता वगैरह मिलाकर भारत सरकार को कुल 2 लाख रुपए प्रति महीना हर विधायक के ऊपर खर्च उठाना पड़ता है। इसी हिसाब से 4582 विधायकों पर 91,64,00,000 रुपए प्रति महीना खर्चा होता है। इसी हिसाब से सिर्फ विधायकों के ऊपर भारत सरकार 1,100 करोड़ रुपया सालाना खर्च करती है। भारत के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलाकर 776 सांसद हैं। इन सांसदों को वेतन भत्ता वगैरह मिलाकर प्रति सांसद 5 लाख रुपए दिया जाता है, अर्थात कुल सांसदों का वेतन प्रति माह 38,80,00,000 रुपए जाता है। इस तरह सालाना 465,60,00,000 रुपए सांसदों के ऊपर भारत सरकार को खर्च उड़ाना पड़ता है। इन सबको अगर जोड़ा जाए तो भारत सरकार का सांसदों और विधायकों के ऊपर 1,565,60,00,000 रुपए खर्च होता है। और ये तो सिर्फ सांसदों और विधायकों का मूल भत्ते की बात हुई। इनके आवास, रहने खाने, यात्रा, इलाज और सैर सपाटा, इनके ऊपर लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च होता है, अर्थात लगभग 3,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का सांसद और विधायकों के लिए खर्च होता है। अब गौर कीजिए इनके सुरक्षा कर्मियों के वेतन पर। विधायकों को मिलने वाले बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड, सुरक्षाकर्मी, पुलिस, ऐसे मिलाकर हर विधायक के ऊपर 7 पुलिसकर्मी की सुरक्षा मिलती है। एक पुलिसकर्मी का वेतन अगर 25,000 रुपये भी पकड़ा जाए तो 7 पुलिसकर्मियों के ऊपर 1,75,000 रुपये हर महीना खर्च होता है। इस हिसाब से 4582 विधायकों के ऊपर 962,22,00,000 रुपये खर्च होता है। इसी प्रकार सांसदों की सुरक्षा के लिए 164 करोड़ रुपए खर्च होता है। ये तो बात हो गई विधायकों और सांसदों के ऊपर होने वाली खर्चों के बारे में। इसी प्रकार से मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके लिए जो भी सुरक्षा दी जाती है, वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, जेड प्लस श्रेणी, इनकी सुरक्षा के लिए लगभग 16,000 जवान अलग से तैनात है, जिनके ऊपर भारत सरकार को कुल 776 करोड़ रुपए सालाना खर्च उठाना पड़ता है। इस प्रकार से सिर्फ सत्ताधीन नेताओं की सुरक्षा के लिए हमें सालाना 2,000 करोड़ रुपए खर्च उठाना पड़ता है, अर्थात सिर्फ नेताओं पर कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। इसके अलावा भारत में राज्यपाल, भूतपूर्व नेता, उनकी पेंशन, एमपी, एमएलए, उनकी पेंशन आदि खर्चों को अभी इनमें शामिल नहीं किया है। अगर उसे भी जोड़ा जाए तो कुल खर्च लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अब सोचिए, भारत जैसे देश में अगर हम नेताओं के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, बदले में गरीब लोगों को इसका क्या फायदा मिलता है? क्या यही है लोकतंत्र? आखिर ये 10,000 करोड़ रुपया भारतवासियों से टैक्स के जरिए वसूल किया गया पैसा ही तो है। एक सर्जिकल स्ट्राइक का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। भारत में 2 कानून बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो चुनाव प्रचार में खर्च के ऊपर निर्बंध लगना चाहिए, जो भी प्रचार करना है वो सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से प्रचार होना चाहिए। और दूसरा कानून बनना चाहिए नेताओं को मिलने वाले वेतन भत्ते और सुविधाओं को बंद करने का। ये अगर बंद हो जाते हैं तब पता चलेगा कितने लोग हैं जो सच में देश सेवा करना चाहते हैं, बिना वेतन के, बिना भत्तों के और बिना किसी सुविधा के।
प्रत्येक भारतवासियों को इसके खिलाफ जागरूक होना चाहिए। और ये जो फिजूल के 10,000 करोड़ रुपए भारतवासियों के खर्च हो रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।